सभी विद्यार्थियों को मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार विद्यार्थियों, अभी हाल ही में आप लेक्चरर का एग्ज़ाम देके आए हैं और आपके मन में ये डाउट है कि सर हमारे नंबर कितने आएंगे और कहाँ तक कट ऑफ जा सकती है। तो ये विश्लेषण जो आधारित है, ये सभी अभी तक के पूर्वानुमान पर आधारित है और फाइनली एक कंक्लूजन जिसे कह सकते हैं आप, निकाल सकते हैं हम कि ओवरऑल उत्तराखंड के जो PCS UKPCS ने जो लेक्चरर का एग्ज़ाम कराया था यहाँ पर, तो उसमें किस तरह की कट ऑफ रहेगी। मैं सीधे आपको बता रहा हूँ तो ये लगभग आपको तय जानने की, लगभग इसी के अराउंड आपका कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी समय के बाद ये विश्लेषण मैं आपको दे रहा हूँ, काफ़ी कुछ सोच समझ के ही, और चारों तरफ से जितने भी मीडिया से इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हुए आप लोगों तक ये विश्लेषण में पहुँचा रहा हूँ। तो बायोलॉजी की बात करें तो 135, इंग्लिश की आप देख सकते हैं 140, मैथ्स की 125, केमिस्ट्री की 135, फिजिक्स 140, हिस्ट्री 160, हिंदी 140 और इकोनॉमिक्स की 140 के अराउंड रहने के पूरे चांसेस हैं। और इससे ज़्यादा कम का मैं नहीं कह सकता, लेकिन 4-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना तक अगर आप पहुँच रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं, क्योंकि कई सारे अच्छे खासे स्टूडेंट तो इसके प्री में ही बाहर हो गए थे और जिन्होंने मेंस का एग्ज़ाम दिया है उसमें से भी कई लोग इस तरह के सेलेक्ट हो गए हैं जिनकी अपनी विषय में पकड़ मजबूत नहीं है और वो लोग समूह की तैयारी कर रहे थे और साथ ही लेक्चर का भी उन्होंने भर दिया है। तो काफ़ी अच्छी खासी संख्या में ऐसे स्टूडेंट भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये आप लगभग ओवरऑल मानिए इस कट ऑफ को और अपना आगे का आप लोग इसको एक वो समझ सकते हैं कि ये जो भी उत्तराखंड से जल्द ही इसकी वो जारी होगी, इसका रिजल्ट जारी होगा। हालांकि अभी आंसर की भी जारी नहीं हुई है, लेकिन क्या कारण है आंसर की इतना लंबा समय लिया जारी करने के लिए, हो सकता है उत्तराखंड PCS सीधे रिजल्ट ही इसका आउट करे, तो ये भी हो सकता है कि सीधे इसका रिजल्ट आए, क्योंकि अभी अल्टी का मामला हाईकोर्ट में चला गया है। तो पहले पूरे का पूरा फोकस अब लेक्चरर के रिजल्ट पर रहेगा। तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।